Now, the Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra has made the party's poll pitch in Rajasthan and said that Congress will not look only at itself, it will look for what is good for the people. She has slammed BJP and said that BJP workers work for themselves and their industrialist friends. Let's quickly listen in to what Priyanka Gandhi Vadra has said. Manu Sharma on the telecast with me. Manu, while we put out that soundbite of Priyanka Gandhi Vadra, she is in Dausa right now in Rajasthan. The poll bugle has already been launched by the political parties. The Congress General Secretary has lambasted BJP, attacking BJP for their alleged support to industrialists, the likes of Adanis and Ambanis. जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर आज एक ईआरसीपी योजना जो काफी मुद्दा बना हुआ है पूर्वी राजस्थान के अंदर, जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, इसको केंद्र सरकार की योजना बनाने के लिए लगातार राजस्थान की सरकार दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इसके लिए लगातार पत्र लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए अभी पिछले 5 दिन से एक अभियान चलाया गया था और वहाँ हर जिले में एक सभा की गई है। 13 जिलों के लिए ये योजना थी, इसको लेकर के आज समापन था तो प्रियंका गांधी ने बड़ी रैली जो यहाँ पर की है, संबोधित किया है, उसके अंदर इसी मुद्दे को उठाया। साथ में जो चुनावी मुद्दे थे, तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर इस तरह के आरोप लगाए कि केवल अपने मित्रों को जो बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़े जो औद्योगिक कारखाने थे वो उनको बेच दिए गए हैं और उसके माध्यम से रोजगार अब आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए। साथ ही गहलोत सरकार के जो कामकाज थे उन पर, उन योजनाओं को उन्होंने गिनाया जिसमें ओपीएस है, चिरंजीवी योजना है, तमाम मुद्दे गिनाए। साथ में जो एक अब की बार एक बड़ा मुद्दा जो राजस्थान के अंदर बना हुआ है कि एक कमल के निशान के ऊपर चुनाव लड़ना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उनका आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट नहीं है, जिसके कारण से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं और हर कोई मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो रहा है। इसी कारण से इस तरह के हालात पैदा होने के बाद अब ये केवल कमल के निशान पे आ गए हैं और केवल इनको जो है प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरह के जो आरोप हैं उन्होंने सीधे तौर पर मंच से लगाए हैं और जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं थी उसके आधार पर वोट मांगने की कोशिश की है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू मनु फॉर शेयरिंग दोस डिटेल्स विद अस। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।